बार मैग्नेट एज एन इक्वलेंट सोलिनॉइड। ये पूरी शीट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो लिख लेना जो भी यहाँ लिखना चाहते हो, मुझे नहीं पढ़ना, डोंट रीड, या जो भी लिखना लिख लो। इसमें सिर्फ दो बातें बताई गई हैं। पहली बात कि अगर एक सोलिनॉइड है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सोलिनॉइड का एक रिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, तो बी जनरेट करता है, तो एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगला रिंग बार मैग्नेट, बहुत सारी बार मैग्नेट मिला के एक बड़ा बार मैग्नेट बस। तो एक सोलेनॉइड को ट्रीट किया जा सकता है एक बड़ा बार मैग्नेट। उल्टा भी ट्रू है, एक बड़े बार मैग्नेट को ट्रीट किया जा सकता है लाइक अ एक ब्रेक कर करके सोलेनॉइड में कन्वर्ट कर सकता है। मन में इमेजिन करना है, बार मैग्नेट सोलेनॉइड बनते नहीं है रियलिटी में, इमेजिन करना है बस। ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है गॉस लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट्स का गॉस लॉ हमने किया था। ई डॉट डी एस क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक्स का गॉस लॉ है बी डॉट डी एस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। किसी भी क्लोज बॉडी का बी डॉट डी एस जीरो होता है। ये कह के ये चैप्टर क्लोज है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं करने वाले। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म के ऊपर कुछ नहीं आएगा, बस ये लॉ पता होना चाहिए, सफिशियंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता है, पर हम नहीं कर रहे, हमारे कोर्स में नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, और इस शीट में कुछ भी नहीं करने वाला।